मुंब्रा शील में पहली बार आरके इंटरप्राइजेस आपके लिए लाया है टुडे ब्रांड 100% नेचुरल ऑयल, प्योर एंड हेल्दी, जो कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन में तैयार किया जाता है। इसके अलावा ओरिजिनल मसाले, फ्रेश आटा, मल्टीग्रेन आटा, सब कुछ नेचुरल अफोर्डेबल प्राइस के साथ कस्टमर की डिमांड पर आंखों के सामने मशीन से निकाल कर दिया जाता है। आपका अपना टुडे ब्रांड, असली खाएं, सेहतमंद रहें। तीन सौ 76 कामगार हमको दिया है और हमने 504 रखे। 130 आदमी लोग इन्होंने भर्ती किए, वो आप भी भर्ती हुए, वो भी थाना भिवंडी मानकुली ये साइड से इन्होंने भर्ती किए। इनके पहले क्रिस्टल डाला, उनके पास 250 आदमी था लेकिन काम होता था, इनके पास 500 आदमी है, काम नहीं होता है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये खाली बैठने का पगार ले रहे हैं। ये लोग गरीब लोग को नहीं लगा रहे, जो पैसा देता उसको काम पे लगा रहे लोग। हमारे रेती बंदर का कचरा पूरा नहीं हटेगा तब तक हम ये टाला ना खोलने देंगे, ना कचरा उठाएंगे, ना इनको उठाने देंगे। कचरा इतना है कि हम थोड़ा थोड़ा उठा रहे, कचरा है जो आमदार साहब के पिया है सिर्फ उठाने, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। जो सुपरवाइजर है जो काम करे उनके ऊपर पहला एक्शन तो लेने दो, ये कंपनी का पूरा नाम का बदनामी हो रहा है ना। ये जो चिल्ला रहे यहाँ पे, इन्होंने सही में जाके थाने महानगर पालिका का जो भी ना ऑफिस है वहाँ पे जाके बोलना चाहिए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुंब्रा के रेती बंदर पर। आपको बता दें कि यहाँ पर अभिषेक कंस्ट्रक्शन का ऑफिस था जो मुंब्रा शहर से कचरा उठाने का काम करते हैं, और आपको बता दें कि आज उस ऑफिस पर यहाँ पे एनसीपी के लोग जो है ताला लगा दिए, और उसके ऑफिस के सामने ही यहाँ पर कचरा जो है एनसीपी के तमाम कार्यकर्ता लाकर यहाँ पर डाल दिए हैं। दरअसल इनका कहना है कि शहर में काफ़ी गंदगी बढ़ रही है और कचरा जो है ठीक तरह से साफ सफाई नहीं किया जा रहा है, और इनका ऐसा भी कहना है कि यहाँ पर जो है सफाई कर्मी जो है वो काफ़ी कम संख्या में है। आप यहाँ पर अभिषेक कंस्ट्रक्शन के जो सुपरवाइजर हैं बापू मखरे, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एनसीपी के कार्यकर्ता जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अभिषेक कंस्ट्रक्शन ऑफिस पर ताला लगा दिया और कचरों का अंबार गेट के सामने ही आप देख सकते हैं कि रख दिया गया है। हम बात करेंगे एनसीपी के जो तमाम लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अप्पा भाई क्या कहेंगे आप? काम कुछ करते नहीं साफ सफाई, खाली बोल वचन इधर आके देते कि हमने किया है। हम लोग बार बार यहाँ पे आते दिखाते इनको तो भी कचरा नहीं हटा। आप देखिए रेती मंदिर में आके देखिए कितना कचरा पड़ा हुआ, ये नहीं हटाते। इनके पास आएंगे तो ये हमको रीजन देते ये हो गया वो गया, तो ये आपको कैसा है इनका काम एकदम ये ऑफिस पे आप लोग ताला लगा दिए, ऊपर से कचरा भी लाकर यहाँ पे। अभिषेक नहीं चाहिए, ये काम ही नहीं करते, खाली आके यहाँ पे हाजिरी भरते अपना जाते। ये बाहर से लड़का लोग लाके यहाँ पे काम पे रखेंगे, हमारे इधर को नहीं, जो इधर का थानी गए एक भी काम पे नहीं, सब बाहर से आए ले लोग। यानी कि आपका कहना है कि आपके लोगों को काम पे रखा जाए? ऐसा नहीं है, जो अच्छा काम करते ना उनको काम पे रखो। हम 6 महीने से बोल रहे बाबा ये लोग काम नहीं कर रहे, अच्छे लड़के लोग रखो हमारे इधर के लोग, लेकिन यहाँ पे वो नहीं चलता। यहाँ पे इनके जो कुछ मैनेजर है कुछ ले दे के अपने लड़के लोग भर्ती करते, सब बाहर से लाते, पब्लिक जमा हो रही है, इनको कुछ मिलता रहेगा उसके पीछे, तो ये लोग अपने लड़के लगाते, बाकी हमारा कोई लड़का नहीं लगाया इधर का, जो नगर से हो गए थाना के बिना के इनके लड़के इधर काम कर रहे, घर बैठे पगार मिलता है उनको। अच्छा ये भी आप लोग बता रहे थे कि सफाई कर्मी काफ़ी कम है यहाँ पर, तो कितने लोग आते हैं आपके रेती बंदर एरिया में साफ सफाई करने के लिए? चार फर्स्ट शिफ्ट में थे, चार नाइट शिफ्ट में, दो शिफ्ट इनका, दो शिफ्ट में 8 आदमी काम करते। एरिया हमारा 20,000 का वस्ती है और इतने कर्मचारी काम करते। तो आज कुछ साफ सफाई हुआ है या नहीं? कुछ नहीं साफ सफाई हुआ है, गए 8 दिन से हम लोग परेशान। तो ये कचरा जो यहाँ पर डाले ऑफिस पे लाके कहाँ से लेके आए? रेती मंदिर से लाए कचरा, हम उठा के लाए गाड़ी में डाले और हमने यहाँ पे डंपिंग किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मपाल। आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हमारा भी यही कहना है कोई ढंग से काम नहीं करता है। म्यूनसिपालिटी जो भी कर्मचारी आते उधर देख के चला जाते, काम कोई करते नहीं, फिर उसको हम आइए जो कॉन्ट्रैक्ट जिसका भी है वो हमको नहीं चाहिए, और बाहर के आके इधर शाइनिंग करेंगे, उधर बैठेंगे, मौज मजा करेंगे और निकल जाएंगे और बताएंगे कि हम काम क्यों किए, वैसे ही ढीक उधर पड़े ले कचरे के। 8 दिन से हम लोगों ने बताया फिर भी नहीं उठाए,
8 दिन से कचरा नहीं उठाया, फिर भी नहीं उठाया। जाके वो अधिकारी लोगों को आज सुबह दिखाए, साटे साहब आए थे उनको दिखाए, उनके साथ में और म्यूनसिपैलिटी के कोई साहब आए थे उनको दिखाए, तो बोला हम अभी बता रहे कि हम 2 दिन में सब कचरा उठाएंगे, नहीं मांगते हमको। बापू भाई, ये लोग का कहना है कि 8 दिन हो गया कचरा नहीं उठाया गया। हालांकि इनका कहना सही होएगा, सुबह हम लोग कचरा तो 2 दिन उठाया जाता है, मगर सुबह हम लोग ये सब अपने रीति बंदर के भाई लोग और साठे साहब जो यहाँ के इंचार्ज हैं, हम लोगों ने जाके देखा, इन्होंने जो जो कंप्लेंट बताई, हमने कहा कि भाई वो हो जाएगा, 1-2 दिन में आपका पूरा काम हो जाएगा। मगर मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हें बोलूँ क्या पुनः बोलो, कैसा है कि आप जब बताओगे, अगर कोई कर्मचारी काम नहीं करता है तो उसके ऊपर आपने कंप्लेंट काम करना चाहिए कि उसके ऊपर। इन लोग का कहना है कि आपके यहाँ जो कर्मचारी है वो ठाणे इलाके के है, वो आके यहाँ पर मुमरा में काम कर रहे हैं, आप लोग जो स्थानीय लोग हैं उनकी भर्ती नहीं ली है। नहीं, ऐसा है कि अभी अभिषेक कंस्ट्रक्शन को 2 साल हुआ है, 2 साल अभी हुआ है, और इससे पहला क्रिस्टल था, क्रिस्टल से पहला पल्ले करके था। तो जो लोग पुराने हैं, 376 लोग नगर पालिका ने हमको दिया है कामगार, 376 कामगार हमको दिया है और हमने 504 रखे हैं, तो सबसे ज़्यादा तो मुमरा के हैं, और उसके बाद में जो लोग थाना के हैं, ये जो बोल रहे हैं वो हकीकत है, थाना के हैं, भिवंडी के, मगर उस ज़माने में वो लोग लगे रहे काम पे, तो उनको हम नहीं निकाल सकते क्योंकि उनका रिकॉर्ड नगर पालिका में है। तुम्हें 130 भर लेते आज तक चेत अभी के, वो इन्होंने बोला 130 आदमी लोग इन्होंने भर्ती किए, वो अब भी भर्ती हुए, वो भी थाना भिवंडी मानकुली ये साइड से इन्होंने भर्ती किए, वो क्रिस्टल में स्थानिक थे, पल्ले के टाइम पे भी स्थानिक थे, और अब भी जो 130 आदमी भर्ती हुए वो बाहर के जमाने के। इन्होंने जो कहा है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 504 कामगार हमारे पास है, 24 घंटा जब 3 शिफ्ट चलता है हमारा, तो 504 तो 378 के ऊपर जितना कामगार रखा है वो हमारे सेठ ने पर्सनल अपने इस पे रखा है। अगर आप बोलेंगे अभी उनको निकालो तो ये नहीं निकाल सकते, और इनको नहीं, आपका कहना सही है, मगर जो लोग लगे ले पुराने लोग हैं, अभी आप लोग पुराने लोगों को हम नहीं, आप लोगों के पास वर्कर कम है तो भर्ती करो, नहीं, अगर अगर आपका कहना सही है, और मैं इस माध्यम से सभी लोगों को, EMC के अधिकारों को, नगर सेवक लोगों को, और हमारे आदरणीय जो यहाँ के MLA आवार साहब को, मैं आपके जरिए विनती करता हूँ कि ये जो मसला है, अगर नगर पालिका ने हमको कामगार बढ़ा के दिया, जो कि उनके अभी टेबल पे है नगर पालिका के, अगर उन्होंने कामगार बढ़ा के दिया, तो मैं आपको शब्द देता हूँ कि पूरे के पूरे हमारे शब्द ना आता कामगार पाइजे, मैं आपको शब्द देता हूँ कि अगर कंपनी का एक जिम्मेदार आदमी रहते हुए, अगर हमको कामगार ज़्यादा वहाँ से मिलते हैं, तो पूरे कामगार मुमरा के ही रहेंगे, रेती बंदर के ही रहेंगे। अभी आपके ऑफिस के कचरा जो डाला है, हालांकि ये कचरा डालने से क्या महसूस करना चाहते हैं, जो 6 महीने हमें तुम्हारा कचरा डाल दिया है, आपके ऑफिस पे ताला लगा दिया कर्मचारियों को निकाल के। नहीं देखो, अभी इन्होंने ताला लगाया, वो भी गरीब कामगार है, म्यूनसिपैलिटी का काम कोई बंद नहीं कर सकता है, मगर चल रहा है। मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि अगर हमारी कंपनी का कोई गलती है, तो इन्होंने ठाणे महानगर पालिका के जो महापौर है, जो आयुक्त है, उनसे जाके मिलना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि हमारे यहाँ साफ सफाई नहीं होती, हमारे ऊपर और कोई है। हम इनका भी कहना सही है, अगर आप लोगों को शिकायत थी तो आप लोग मनपा के उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत भी कर सकते थे।
इनके पहले क्रिस्टल डालना, उनके पास 250 आदमी था लेकिन काम होता था, इनके पास 500 आदमी तो भी काम नहीं होता है, ये झूठ बोल रहे हैं। इनको काम नहीं करते, काम के नीचे ये झूठ बोलते हैं, ये खाली बैठने का पगार ले रहे, काम नहीं करे। हमारे एरिया में आदमी लोग बीमार गिरते हैं, हम लोग क्या करेंगे, किधर कचरा फेंकेंगे? हमारे घर का कचरा देखो, इसके लिए यहाँ लाके उठा ले, घर का कचरा हमारे घर के सामने ठीक ले गए, वो नहीं उठाए। बापू भाई ये लोग तो बोल रहे हैं आप झूठ बोल रहे हो। चलो मैं दिखा था, उन्होंने भी देख लिया, मैं भी दिखाता हूँ। ये अगर बोल रहे हैं, ये अगर बोल रहे हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप तो पत्रकार है, यहाँ के बहुत सारे नेताओं ने, बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने माहिती अधिकार डाल के क्रिस्टल की मालूमात ली है, कितने कामगार है, कितने रखने चाहिए। और ये होने के बाद में अगर आवर्स आप बढ़ा के देते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि हमारे कंपनी में पैसा देने के बाद काम लगता है, तो ऐसा इनका जो कहना है, इनका कहना है बराबर है, पैसा लेके लड़के लोग काम पे लगाते हैं, लोग गरीब लोग को काम पे नहीं लगाते। कुछ प्रूफ है आपके पास कितना पैसा है? बहुत प्रूफ है हमारे पास, प्रूफ दिखाएंगे हम लोग, प्रूफ भी दिखाएंगे हम लोग। ये लोग गरीब लोग को नहीं लगाते, जो पैसा देता है उसको काम पे लगाते हैं लोग। रेती बंदर तो आज लगाए, आज इन्होंने देखा कि रेती बंदर की आवश्यक क्या है, इनसे पूछिए पहला, ये पूछो काम करता क्या नाम है? लक्ष्मण। अच्छा, आप क्रिस्टल में काम करते हो? अभी अभी नहीं है, तो अभी इसमें नहीं काम करते? नहीं ले रहे। कहाँ के रहने वाले? रेती बंदर। रेती बंदर नहीं ले रहे? क्यों नहीं ले रहे, कुछ वजह बताए आप? वो आईडेंटिटी कार्ड मांग रहे, आईडेंटिटी कार्ड घूम गया मेरा। इनके पास भी तो प्रूफ रहेगा ना, आइडेंटिटी कार्ड तो काम पे ले रहे आदमी, तो उसका तो इनको भी रिपोर्ट रखना जरूरी है। मेरे बाद में भी एक साल जो काम छोड़ दे उनको लिए उसने काम पे, लेकिन मुझे नहीं ले रहे। पापा भाई क्यों नहीं ले रहे? अरे तो काम ऐसा है कि जो अभिषेक कंस्ट्रक्शन जाने के मित्तल जाने जाने के बाद में अभिषेक कंस्ट्रक्शन आई, आने के बाद में यहाँ पे कैंप लगा, जो जो लोग क्रिस्टल के है, कुछ गए है छोड़ के, वो सबको लिया गया। अभी अगर कोई आदमी दो चार महीना लेट आया तो उसको रुकाया गया है। और आईडी कार्ड ये तो मांगना जरूरी है, कल कोई भी आके बोलेगा कि मैं हूँ तो कैसा चलेगा? तो आपके पास भी रिकॉर्ड हो? नहीं, अगर रिकॉर्ड है कि नहीं वो कंपनी से बात करेगा। मैं अगर इनका रिकॉर्ड है, इनको अगर रिकॉर्ड है तो इनको ले। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, अब तो यहाँ उत्तर है ना, स्वप्निल राउत वो जो अपघात ग्रस्त में उसकी वाइफ गुजर गई, उसका दो बच्चा है, एक 6 साल का एक 4 साल का, वो 4 बार भेजा उनके पास कि उनको काम लगाइए, उनको काम नहीं लगाया, और फिर से अभी 2 बच्चे लगाया नया, तो ये किसका गलत है? कौन गलत? पैसा लेने का भी आरोप लगा रहे, कितना पैसा? यहाँ कैसा है कि आप पहले तो मिसगाइड होते हैं हमारे यहाँ पे, हमारा 4 पीटी है, एक रीति बंदर, दूसरा शंकर मंदिर, तीसरा 2 पीटी उधर। हमको लगा तो किसी वर्कर का हमने बदली कर दिया, CPT वाले को इधर डाल दिया, इधर वाले को उधर डाल दिया, तो माहौल क्या बनता है? ये नया आया, हमारा 4 पीटी है अभी नाइट में। ठीक है, लेकिन जो पैसा लेने का आरोप लग रहा है तो कितना पैसा लेके भर्ती किया? अगर पैसा, ये तो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, और यहाँ पे पैसा तो रिश्वत का आरोप लगा रहे हैं। ये तो रिश्वत का आरोप लगा रहे, अगर ऐसा है तो हम जांच करेंगे, मगर यहाँ पे ऐसा कोई दिल से काम पे नहीं लेता है, उसके लिए पूरे प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर करके कोई मर गया तो उसका रिलेटिव को एफिडेविट लेके लगाते हैं। अच्छा अप्पा भाई, अभी तो आप लोग यहाँ पर ताला लगा दिए, ये कचरा यहाँ पर भी लाके ऑफिस के सामने डाल दिए, तो अभी क्या करने वाले हैं आगे? तक हमारे रेती बंदर का कचरा पूरा नहीं हटेगा तब तक हम ये ताला ना खोलने देंगे, ना कचरा उठाएंगे, ना इनको उठाने देंगे। और ये महीने से चिल्ला रहे कि हटाओ हटाओ, सबसे बात हुआ मेरा, कोई नहीं आ रहा है, वो उनका मैनेजर बैठा है पेटी का, 10 बार आके गया हूँ मैं इनके पास, नहीं हटा इन्होंने कचरा, खाली बोलते हैं आदमी भेज रहा हूँ, ये भेज रहा है कि उनको साथ में भेजते, वो देख के आ जाता है। क्या नाम है आपका? सर विरोध हुआ। ये शिकायत लेकर आते हैं आपके पास क्यों? एक बार शिकायत लेके आए थे मेरे पास, मैं उनके बाद आदमी लेके गया था, ये बोलो एक बार मतलब बोलो ना, खोटा नहीं बोले, खोटा नहीं बोले, 3-4 वेळा मी आलेला आहे, खोटा
बोलतोय इथं सुपरवायझर पण पाठवलेला ठीक आहे आम्ही पण बोललो स्थानिक माणसं कामाला घ्या बोललो आम्ही आमचा अधिकार आहे पण या लोकांनी घेतलं नाही कामाला सांगा तुम्ही तिथे आले होते एक दो बार आ गए थे कचरा इतना है कि हम थोड़ा थोड़ा उठा रहे फिर एक बार ये आ गए बोले कचरा उठाओ तो मैं सुपरवाइजर बोला जितना क्या उठा के ले लो एक आदमी के साथ मैं पूरा घूम के आया और बोला आप जिस भी डंपर के उठा के लेंगे इतना ही हुआ हमारे अभी भी लाइव उधर पड़ा हुआ है कचरा अभी भी बता सकते हम लोग उधर लाइव चलो हमारे साथ साथ में जो आवाज़ सामने तो रास्ता क्या ऊपर जाने के लिए रास्ता तो बनाया अभी नया वो रस्ते से आप चलिए और रस्ते की हालत देखिए क्या है आप लाइव देखिए आप लाइव नहीं है उधर का कचरा उठाते ही नहीं है लोग सिर्फ दीवार के पीछे बोलते रेलवे का बोलते लोगों को जाने आने के लिए वही एक रास्ता है ये लोग तो बोल रहे भाई कि उठाते ही नहीं आप कचरा भी लाइव देखा नहीं है आप चलिए लाइव उतरना कचरा चार महीने का काल ले दो वरी तुम्हें उतर ले पूरा ना ना कचरा उठाते हैं तो रेलवे का पटरी के बाजू वहाँ गाड़ी जाती नहीं है ना हाँ कहाँ 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 रेलवे का पटरी बोल रहा हूँ ना हाँ कारण है रेलवे का पटरी कचरा डाला तो आपने अपना गाया था वह देखने के लिए वो इसी भी डंपर लाके उठा के लेगी ये लोग साथ में चले के गए तो उनको हम लोग आते साथ में कितनी दूर जाए कहाँ एक मिनट दो दिन हो गया आज दो दिन ने एक मिनट थामा एक मिनट थामा एक मिनट थामा तो राम लोग कहाँ देते ना तो आले ला रेती बंदर में रामदेव रामदेव और आवर साहब के पिया आए थे सचिन उनने क्रिस्टल का रामा करके है पहले क्रिस्टल में रहता अभी इनके इसमें वो आके देख के गए छह दिन हो गया उसके लिए बाद में हम अभी इनको इनके पास आके तीन दिन हो गया और इनने भी भेजा था इनका सुपरवाइजर अमर करके उनने भी देखा और बोला कल होएगा कल हो गया अभी तीन दिन हो गया तभी भी नहीं हुआ यानी सिर्फ देख देख के जा रहे हैं काम होने जा रहे और फिर अभी साठे साहब आए उनने देख लिया बापू साहब भी आए थे उनने भी देख लिया सब ने देख लिया तो मैन पावर नहीं है रोड पे चार और ऊपर चार आठ ही आदमी रहते काम के लिए बापू भाई क्या कहेंगे मामला तो बहुत गंभीर है जानकारी मिलने के बाद भी काम नहीं हो रहा है इनकी जो कंप्लेंट है कि इन्होंने जो कहा है कि वो जो कचरा है जो आमदार साहब के पिया है फिर भी उठाने उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ मगर मैं दो दिन में पूरा लेकिन इनकी मांग है अभी रेती बंदर के लड़के लोग को काम पे रखो हाँ काम ऐसा ये कह रहे हैं उसके लिए टीएमसी है वहाँ पे इन्होंने जाके बोलना चाहिए टीएमसी अभिषेक कंस्ट्रक्शन ने टीएमसी से कॉन्ट्रैक्ट लिया है लेबर जो है वो 378 लेबर तुम्हें टीएमसी विचारों घेतले का लेबर टीएमसी को पूछ के लिए क्या इन्होंने लेबर जो आदमी लोग भर्ती किए इन्होंने टीएमसी को रिपोर्ट दिया क्या जब 378 लोग हमको नगर पालिका ने दिए है वो हमको रखना ही है मगर उसके ऊपर जो लोग रखे है उसके ऊपर भी अगर जरूरत है तो रेती बंदर में कचरा नहीं उठ पा रहा है अगर यहाँ जरूरत है तो आप रख सकते हैं ना अगर जरूरत है तो रख सकते हैं तो जरूरत है ना क्योंकि कचरा उठ ही नहीं पा रहा है ना अभी उसके ऊपर जो हमारे जो सुपरवाइजर जो काम करे उनके ऊपर पहले एक्शन तो लेने दो अगर इनका काम ही नहीं हो रहा है तो उतने लोगों को रख के क्या फायदा ये कंपनी का पूरा नाम का बदनामी हो रहा है ना हम तो बोलते हैं सुबह 10 जन जाओ मगर वो जाके काम नहीं करते तो उसका सुपरवाइजर का गलती ये लोग भी खुशी से नहीं आए इनको भी थोड़ा सा तकलीफ हुआ करके आए और मैं खुद कहता हूँ आपको कि मुमरा बचाओ मुमरा बचाओ ये करेंगे मुमरा बचाओ मुमरा बचाओ ये भाइयों से मुमरा बचाओ ये भाइयों से मुमरा बचाओ मेरी विनती है बचाओ मुमरा बचाओ ये भाइयों से मेरी मुमरा बचाओ ये जो चिल्ला रहे यहाँ पे इन्होंने सही में जाके थाने महानगर पालिका का जो मेन ऑफिस है वहाँ पे जाके बोलना चाहिए यहाँ पे चिल्ला के ठीक है हमारा जवाबदारी है अगर ये लोग आए बोलते तो हमारा जवाबदारी जो काम है हम दो कितने दिन से कितने दो दिन अभी हम क्या करते हैं दो दिन ने अभी अभी हम क्या करते हैं आप लाइव चलो देखने के महापालिके में जाते हैं और उनको पूछते हैं क्या टेंडर इनके पास और हम महापालिके में जाएंगे पूछने के लिए ऐसा थोड़ी होता है टेंडर तुम्हारे पास है तुमको जवाब देना है हमको महापालिका ने इनका जो डिमांड है इनका जो डिमांड है इनका जो डिमांड है कि लड़के लोग अभी के अभी हमारे लगाने चाहिए हमारे लड़के लोग लगाने चाहिए हालांकि ठीक है लड़के लोग को आजकल काम नहीं है
कोरोना की वजह से बेकारी हुई है, मैं मानता हूँ, मगर अभी के अभी ऐसा मुश्किल है और ये गवर्नमेंट का काम है। कोई आके मैं अभी बोलूँगा जाओ तुम लोग काम पे लग गए तो ऐसा नहीं है, उसके लिए प्रोसीजर है, मेरे को सेठ को बोलना पड़ेगा। तो सेठ क्यों नहीं आ रहे सामने? हमारे 6 बजे से हम लोग इधर रुके, सेठ अभी तक नहीं आया। हमको क्या कहना है कि हम थाने महानगर पालिका के अंडर में काम करते हैं, हमारे खिलाफ जो भी इनका गुस्सा है या रोष है हमारे लोग काम नहीं करते, इसके लिए इन्होंने जाके वहाँ पे हमारी कंप्लेंट करनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं ना, आपके सामने कह रहे हैं कि अगर हमारी कोई गलती है तो आप यहाँ पे करने से अच्छा जहाँ पे 1-1.5 महीना पहला इन्होंने 10-12 आदमी भर्ती किए, वो किसको पूछ के? आयुक्त से पूछ के भर्ती किए? हालांकि भर्ती का परिस्थिति बिल्कुल बंद है, क्योंकि नगर सेवक लोग खुद यहाँ के जो नगर सेवक लोग हैं वो लोग खुद बोल रहे हैं आदमी लोग लो तो भी जगह नहीं है, और हम लोग तो है, ये लोग भी है, मगर सबसे ज़्यादा मालूम तो नगर सेवक लोगों को है, हालांकि उनके आदमी लोग नहीं लिए जा रहे। यह हकीकत आपके सामने बोल रहा हूँ, कल ये पूरा मुमरा देखेगा, जो हकीकत है आपके सामने रख रहा हूँ। मैं इनको भी कहा कि मैं आपसे झूठा नहीं बात कर सकता हूँ। नहीं नहीं, नगर सेवक के लड़के लोग जो जो नगर सेवक के लड़के लोग जो हकीकत है वही आपको बोलूँगा, सेठ से बात करूँगा। अगर सेठ ने कहा कि भाई कुछ लोग लेने हैं तो अभी तक बात क्यों नहीं हुई? मगर हमारा आदमी लोग लो तो ही काम चालू होगा, इसके बारे में मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि ये मेरे हद से बाहर है। तो आपने सुना कि जो अभिषेक कंस्ट्रक्शन के सुपरवाइजर हैं बापू मखरे, उनका कहना था कि जो लोग मांग कर रहे हैं वो इनके जो मालिक हैं अभिषेक कंस्ट्रक्शन के, उनसे बातचीत करके उसके बाद जो है इनके मसले का हल किया जाएगा। लेकिन एनसीपी के तमाम कार्यकर्ता जो यहाँ पर हैं उनका कहना है कि अभिषेक कंस्ट्रक्शन के ऑफिस में जो ताला लगाया गया है और ये बाहर आप देखेंगे जो कचरा यहाँ पर लाकर डाला गया है, जब उनकी मांग पूरी होगी तभी हटाया जाएगा।